गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल सूरजगढ़। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास 12 सीबीएसई सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। नेम ऑफ द टॉपिक स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यूनिट सेकेंड, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर बैलेंस डाइट and nutrition. In this learning objective we will discuss about balanced diet. What do you mean by balanced diet and what do you mean by nutrition? About macronutrients and micronutrients. Second learning objective. In second learning objective, nutritive and non-nutritive components of diet. In this learning objective we will discuss the components of diet, nutritive components of diet and non-nutritive components of diet. Next and last learning objective of this chapter, eating for weight control. In this learning objective we will discuss about weight control. A healthy weight, what do you mean by a healthy weight? How many pitfalls of dieting? What do you mean by food intolerance? Food myths. Understand? Now, we will discuss the whole chapter. First of all, we will discuss about food and nutrition. We will discuss about the importance of nutrition in our life. Food and nutrition play a very important role in our growth and development. ठीक है, इट मीन्स जो हम डेली फूड कंज्यूम करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन है ना, वो हमारी लाइफ में, एक ह्यूमन बींग के लाइफ में है ना, क्या करते हैं, जो फूड और जो न्यूट्रिशंस हम जो फूड हम कंज्यूम करते हैं है ना, और उनसे हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, तो उससे हमें हमारी लाइफ में क्या हेल्प मिलती है। इट मीन्स फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन ओवर लाइफ। क्या करते हैं हमारी लाइफ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी को में ग्रोथ और डेवलप करने का काम कौन करेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन। देन इनका इम्पोर्टेंस तो है। नेक्स्ट, दीज आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेल्पफुल है। विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशंस के अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन यानी उचित मात्रा में न्यूट्रिशंस वगैरह का यूज करेंगे है ना, तो क्या हेल्प करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशंस स्पोर्ट्स पर्सन कैन इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये तो हमने इम्पोर्टेंस देखा, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बैलेंस डाइट क्या, न्यूट्रिशन क्या। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो मीनिंग है वो हम देखेंगे, ए बैलेंस्ड डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, है ना, अंडरस्टैंड। इट मीन्स हमें जो ईटिंग करना है वो राइट अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए। फूड का क्या, राइट अमाउंट होना चाहिए, उचित मतलब मात्रा में, ठीक है। और कहाँ से होना चाहिए, ऐसा नहीं एक फूड ग्रुप से, ऑल फूड ग्रुप से, है ना।
देन वो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, ए बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, अंडरस्टैंड, फर्स्ट मीनिंग। सेकंड, व्हाट डू मीन बाय बैलेंस डाइट, ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रपोर्शन, इन करेक्ट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इट मीन्स यहाँ क्या बता रखा है कि जो हमारी डाइट है कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करेगा हमारी डाइट, मतलब ए डाइट विच कंसिस्ट, ऐसी डाइट जो कंसिस्ट करे ऑल इसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच, है ना, नेमली जिनको बोला जाएगा प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर। इट मीन्स हमारे बैलेंस डाइट, मतलब कौन किस डाइट को बैलेंस डाइट बोला जाएगा जिसमें वाटर का मतलब करेक्ट प्रोपोर्शन है, मिनरल्स का, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स और विटामिन्स का, इन सभी का करेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर, इन सभी का करेक्ट प्रोपोर्शन ही क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट इट दैट डाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट, क्या होना चाहिए, एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों होने चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन, बिकॉज आपको जैसी किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है ना ह्यूमन बॉडी की, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट टाइप रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेंस डाइट, मतलब हर इंडिविजुअल की डिफरेंट टाइप की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी की। अब बैलेंस डाइट है ना, अगर बैलेंस डाइट को अगर देखा जाए कि सभी इंडिविजुअल्स के लिए या सभी पर्संस के लिए सेम बैलेंस डाइट हो सकती है, ऐसा नहीं है, है ना। जैसे स्पोर्ट्स में सभी स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट होती है वो उसके मतलब जो जैसी एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डाइट है वो फिक्स होती है ना, तो सभी स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट है वो सेम नहीं हो सकती, तो वैसे जो अदर ह्यूमन बीइंग है उनकी भी डाइट वो सेम नहीं हो सकती। बैलेंस डाइट है ना, ये नहीं कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए या एक पर्सन के लिए बैलेंस डाइट है वो दूसरे पर्सन के लिए भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक पर्सन मतलब जैसे किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना उसे क्या चाहिए, डाइट चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, फूड एंड न्यूट्रिशन। जनरली फूड एंड न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड सिमिलर वर्ड्स, बट इन दोनों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फूड का डेफिनेशन क्या होगा, मतलब फूड इसका डिफरेंस देखेंगे तो कैसे, फूड कंसिस्ट ऑल दोज सब्सटेंसेस दैट ह्यूमन बींग्स कंज्यूम फॉर सर्वाइवल, यानी ह्यूमन बींग सर्वाइवल के लिए है ना जिन सब्सटेंसेस को कंज्यूम करता है वो फूड कहलाते हैं, ठीक है, फूड है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज ए साइंस ऑफ फूड्स, है ना, न्यूट्रिशन इज ए साइंस ऑफ फूड्स, यह फूड्स का साइंस है, विच कंसिस्ट डायनेमिक प्रोसेस इन विच द कंज्यूम्ड फूड, जो हमने फूड कंज्यूम किया है ना, कंज्यूम्ड फूड इज डाइजेस्टेड, कंज्यूम्ड फूड इज डाइजेस्टेड, न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेज आर डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी, अंडरस्टैंड।
इट मीन्स ये इसका क्या हो गया, न्यूट्रिशन का मीनिंग अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, देन आप कैसे राइट डाउन करेंगे, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड्स विच कंसिस्ट डायनेमिक प्रोसेस इन विच द कंज्यूम्ड फूड इज डाइजेस्टेड, न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेज आर डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी। इट कम इसमें इसका मतलब न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है ना, डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें फूड कंज्यूम मतलब जो कंज्यूम फूड होता है, कंज्यूम फूड डाइजेस्टेड होता है, ठीक है भाई, डाइजेस्टेड होगा उसी को है ना, मतलब तभी तो न्यूट्रिएंट्स को मिल पाएंगे टिश्यूज को, कंज्यूम फूड है वो डाइजेस्टेड होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स क्या है अब्सॉर्ब और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, किसको, टिश्यूज को, न्यूट्रिएंट्स हैं अब्सॉर्ब होंगे उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे टिश्यूज को, किसके लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, उनका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए, पूरा उपयोग हो जाए, और वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो डिस्पोज हो जाएंगे, डिस्पोज ऑफ द बॉडी, वेस्टेज वेस्ट प्रोडक्ट है डिस्पोज टू द बॉडी। अब इसका एक तो मीनिंग ये हो गया, अगर पूछा जाए व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिशन या व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, देन आप एक मीनिंग तो इसका ये हो गया मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये कंप्लीट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एक तो फर्स्ट तो ये हो गया मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन में है ना, और सेकंड ये हो गया मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ, यानी न्यूट्रिशन क्या है, साइंस ऑफ फूड है और इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ, और इसका जो रिलेशनशिप है वो हेल्थ के साथ अटैच है, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ये रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट में मतलब रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए और एनर्जी के लिए है ना, किसकी नीडेड होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, अंडरस्टैंड। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाटर आर इंक्लूडेड, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाटर आर इंक्लूडेड इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाटर आर इंक्लूडेड इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में, मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू इनेबल वेरियस गुड केमिकल रिएक्शंस टू ऑक्योर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में वेरियस गुड केमिकल रिएक्शंस को ऑक्योर करने के लिए है ना किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मेन फंक्शन क्या हो गया, टू इनेबल वेरियस गुड केमिकल रिएक्शंस टू ऑक्योर इन द बॉडी, टू इनेबल नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टू इनेबल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी की है ना, ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, देन इसके टू फंक्शन हो गए, वेरियस गुड केमिकल रिएक्शंस को ऑक्योर करने के लिए प्लस नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स
एंड विटामिन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इंक्लूडेड इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टैंड, मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. देन इनका डिफरेंस क्या हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस. अगर आपको लर्न करना है ना, याद करना है, तो कैसे ऐसे पॉइंट बनाकर और दोनों को डिवाइड करके कैसे याद करेंगे. न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. हियर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई एनर्जी, बट द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू इनेबल वेरियस गुड केमिकल रिएक्शंस टू ऑक्योर इन द बॉडी. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नेक्स्ट फंक्शन टू इनेबल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर आर इंक्लूडेड इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इंक्लूडेड. मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. अंडरस्टैंड, ये आपका न्यूट्रिएंट्स का फुल डिफरेंस हो गया.